हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक दफ़ा फिर हमारे चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपको ये फुल्ली ऑटोमेटिक मल्टीपर्पज़ वाटर लेवल कंट्रोलर के कनेक्शंस डिजिटल स्टार्टर पैनल के साथ किस तरह से किए जाते हैं। पहले तो मैं आपको इस डिजिटल स्टार्टर जो सबमर्सिबल पंप मोटर के लिए सिंगल फेस का होता है इसके बारे में बताऊं। ये है L&T कंपनी का स्टार्टर है, डिजिटल सिंगल फेस कंट्रोलर मॉडल MRGI। ये प्लास्टिक की केसिंग है, शॉक प्रूफ, और दो बटन है इसमें। हरा बटन स्टार्ट बटन है और लाल बटन स्टॉप बटन है। इसमें 3 डिजिट की डिस्प्ले है और इसमें कुछ फीचर्स जो दिए हैं जैसे प्रोटेक्शन डिज़ाइन UC बेस्ड है, सप्लाई वोल्टेज दे रखी है कितनी है, इसी तरह से सेकंड सेगमेंट डिस्प्ले है 3 डिजिट की। अगर 7 तरह की डिस्प्ले, जैसे आपने लो वोल्टेज पैरामीटर सेट करना है, उस लेवल से नीचे वोल्टेज आती है तो कट ऑफ करेगा, हाई वोल्टेज भी इसी तरह से सेट कर सकते हैं, स्टॉप टाइमर का भी सेट कर सकते हैं, ओवरलोड का भी, जैसे मोटर की कोई कंजम्पशन है उसके हिसाब से हमने इसके ओवरलोड की सेटिंग कर देनी है। उससे मोटर अगर ज़्यादा कंज्यूम करेगी तो ये ऑटोमेटिक ऑफ करेगा। और इस तरह से ये वॉल माउंटिंग है, एम्पेयर और वोल्ट मीटर भी इसी में डिजिटली डिस्प्ले होते हैं। इसकी एडजस्टमेंट हर एक चीज़ की जैसे बताई गई है वो आप कर सकते हैं, और इसके रिकमेंडेड पैरामीटर्स जो हैं दे रखे हैं जिस तरह से आप इसको सेट करना चाहते हैं। जैसे ओवरलोड पिकअप है उसकी कितनी आप सेट कर सकते हैं, उसकी इंडिकेशंस क्या आती हैं, ऑफ टाइमर, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ड्राई रन, ये सारी सेटिंग्स जो है इस स्टार्टर में की जा सकती है। और सारे कनेक्शन डायग्राम्स भी दे रखे हैं और इसकी डायमेंशंस भी दी गई हैं। सो L&T कंपनी का ये स्टार्टर है जो बहुत अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अब आते हैं वाटर लेवल कंट्रोलर के ऊपर। ये M999 मॉडल है जो फुली ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है। अब इसके बारे में मैं इसके कनेक्शंस के बारे में बताता हूँ। ये वाटर लेवल कंट्रोलर इस कॉरूगेटेड पैकिंग बॉक्स में होता है। इस बॉक्स के अंदर कुछ नायलॉन टाइज होती हैं जो सेंसर को लगाने के लिए काम आती हैं। एक ऑपरेटर्स मैनुअल है इसके बारे में मैं वीडियो के आगे चलते आपको बताऊंगा। एक ड्रिल टेम्पलेट है जो कंट्रोलर को दीवार पे लगाने के लिए, पहले आप कंट्रोलर के हिसाब से इसको दीवार पे लगा करके निशान लगा सकते हैं, ड्रिल कर करके कंट्रोलर को दीवार पे फिक्स कर सकते हैं। एक टैंक सेंसर इंस्टॉलेशन गाइड है, ये है टैंक सेंसर इंस्टॉलेशन जो हमने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी है, लेकिन आप सेंसर्स को अपने हिसाब से इसको टैंक में स्विच ऑन ऑफ लेवल के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें एक बॉक्स टैंक एक्सेसरीज का है, इस बॉक्स के अंदर एक ये कंटैक्टर है, इसी कंटैक्टर, और इसमें वायर्स लगी हुई हैं सप्लाई की, उनके कनेक्शंस के बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा। और ये स्विच ऑफ दो वायर्स हैं ये इस बॉक्स में मिलेंगी। ये इस कंटेक्टर की फिक्सिंग के लिए एक चैनल है छोटा सा, और उसमें 2 स्क्रूज एंड वॉल प्लग्स हैं। एक बॉक्स में टैंक सेंसर स्विच है, बहुत हार्ड प्लास्टिक से बनाया गया है, इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटेड है, और ये पानी में बिजली पास नहीं करता, पानी को सेंस करने के लिए पानी के लेवल के साथ ये फ्लोट करता है तो उसी हिसाब से ये ऑन एंड ऑफ स्विच का काम करता है। ये काउंटर वेट है इसका,
और इसके साथ तकरीबन 1.5 से 2 मीटर तार होती है, और इसकी एडजस्टमेंट आप टैंक साइज के हिसाब से इसको ऊपर या नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। और मेन बॉक्स में एक छोटा बॉक्स भी है जिसमें ये कंट्रोलर मौजूद है। इस बॉक्स के अंदर भी कुछ स्क्रूज एंड वॉल प्लग्स हैं जो इसको दीवार पे लगाने के काम आते हैं। ये है M999 मॉडल, जो दोनों स्टार्टर्स के लिए बनाया गया है, एनालॉग और डिजिटल स्टार्टर। शॉक प्रूफ ABS मटेरियल की कैबिनेट है, और ये इसकी इनपुट सप्लाई है 220 वोल्ट्स। पहला जो 2 वायर का कनेक्टर है, ये स्टार्ट बटन के कनेक्शंस हैं, यानी कि स्टार्ट बटन के कंटैक्टर के कनेक्शन है। ये जो कंटैक्टर है इसकी सप्लाई के लिए है। 3 वायर का कनेक्टर है, वो ओवरहेड टैंक सेंसर वायर कनेक्शंस हैं, जो कलर्स के हिसाब से सेंसर की कलर की वायर्स को लगाया जा सकता है। तीसरा कनेक्टर है, वो डिजिटल स्टार्टर के स्टॉप बटन के लिए है। जब आप डिजिटल स्टार्टर लगाएंगे तब ये कनेक्टर आप यूज़ करेंगे। अगर आप एनालॉग स्टार्टर लगाते हैं इसकी बजाय, फिर आपको स्टॉप बटन के कनेक्शन यहां से करने पड़ेंगे। स्विच ऑन बटन के कंटैक्टर के कनेक्शन बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे एनालॉग और डिजिटल स्टार्टर के केस में। ऑन ऑफ स्विच है, एक इंस्टेंट मोटर स्विच ऑन बटन है, 2 LED लाइट इंडिकेटर हैं, और ये इसकी बैक साइड है। 2 होल्स नीचे हैं और एक सेंटर में है, जब इसको आप दीवार पे आराम से लगा सकते हैं। अब मैं आपको इनके कनेक्शंस के बारे में बताता हूँ। 220 वोल्ट की सप्लाई हमने इस वायर के साथ हम यहाँ पे दे देते हैं, और ये कंटैक्टर जो मैंने अभी दिखाया है बॉक्स में पड़ा हुआ, उसके पहले कनेक्टर में सप्लाई डाल देते हैं, और दूसरे 3 वायर का जो है सेंसर, उसके कनेक्शन से स्टिकर के ऊपर लगे हुए कलर्स के साथ मैच करके लगा सकते हैं। अब ये डिजिटल स्टार्टर का मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, तो इसके लिए जो स्विच ऑफ कनेक्शन, ये जो लाल तार हैं, ये स्विच ऑफ के कनेक्शंस हैं, तो इसको मैं डिजिटल स्टार्टर के लिए ये वाला कनेक्टर यूज करूंगा। ये तो है कंट्रोलर के साथ के कनेक्शन। अब इसके आगे ये कंटैक्टर के 2 पेयर तार के, एक काला और एक हरा, दो दो वायर्स, वो दोनों इस स्टार्ट बटन की लगी हुई तारों के साथ, क्योंकि इस स्टार्ट बटन में 2 नॉर्मली ओपन स्विचेस हैं, तो ये जो 2 पेयर वायर्स हैं वो दोनों लगे हुए वायर्स के साथ, इन 2 NO स्विचेस के साथ ही लग जाएंगे। और ये जो 2 लाल तारे हैं, ये स्टॉप बटन भी नॉर्मली ओपन स्विच है, और ये 2 तारे भी बिना कोई तार यहाँ से हटाए उन दोनों तारों के साथ हम लगा सकते हैं। ये है स्टार्ट और स्टॉप बटन के कनेक्शंस। इसमें ये 2 NO स्विचेस हैं, और 2 पेयर वायर के जो कंटैक्टर से आ रहे हैं, एक हरा वायर और एक काला वायर, दोनों लगी हुई तारों के साथ लग जाएंगे। और इसी तरह से जो स्टॉप बटन के कनेक्शन जो लाल तार के हैं, वो भी इन स्विच के लगे हुए तारों के साथ हमने कनेक्ट कर देने। इस तरह से कोई भी तार लगे हुए कनेक्शंस में से नहीं है हटानी है, और जितनी भी तार आ रही हैं स्टार्ट बटन की, 4 तार दोनों 2 स्विच के पॉइंट्स पे लगा देनी है, और स्टॉप बटन के भी लगे हुए तारों के साथ ही लगा देनी है। अब कनेक्शंस करने के बाद जब मैं कंट्रोलर को ऑन करता हूँ, उससे पहले मैं इसके फीचर्स के बारे में बताऊँ। इसमें जैसे कि मान लीजिए, अभी तो एक फीचर मैं अभी दिखा देता हूँ जो है ड्राई रन का, क्योंकि यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे मैंने आपको मोटर कनेक्ट नहीं की है, एक ये LED छोटा लैंप लगा दिया है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अगर लैंप को हम सप्लाई देते हैं तो मान लीजिए वो ड्राई रन में ही आ जाएगा, तो उस केस में ये ड्राई रन का जो प्रोटेक्शन है वो एक्टिवेटेड ही रहता है। जैसे मैंने अभी ऑन कर दिया इसको, अब ये ऑन हो गया, लेकिन ये अभी ड्राई रन में चल रहा है, तो ये कुछ समय के बाद जैसा भी इसका टाइमर है
उसके बाद इसको ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि मोटर को बिना पानी के चलने से रोकना होता है। तो ये कुछ देर के बाद ये इस तरह से ऑफ हो जाता है, तो ये एरर शो करता है कि आपका मोटर का पानी खत्म है, और इसीलिए ये उसको स्विच ऑफ कर। तो ये एक मैंने आपको फंक्शन बताया है। इसी तरह से ओवर लोड, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज के स्टॉप टाइमर के फंक्शंस इसी तरह से ही काम करेंगे। अब सबसे पहली बात इस कंट्रोलर की ये है कि ये लगाने के बाद इस स्टार्टर का कोई भी फंक्शन जो है वो खराब नहीं होता है, क्योंकि ये स्टार्टर पहले तो सिर्फ 3 सेकंड के लिए स्टार्टर को ऑन करता है, और उसके बाद ये सारे के सारे कनेक्शन हट जाते हैं, और स्टॉप बटन के कनेक्शन भी अलग ही रहते हैं। लेकिन स्टॉप बटन के, क्योंकि नॉर्मली ओपन कनेक्शन है, जब भी इसको स्विच ऑफ करना होगा तो सिर्फ 3 सेकंड के लिए ही इस स्टॉप बटन को ये कंट्रोलर कमांड दे। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अब कनेक्शन करने के बाद हम कंट्रोलर को ऑन करते हैं, और जब भी पानी टैंक के नीचे जाता है जहाँ पे हमने इसको सेट किया है, वहाँ पे ये ऑन कर देगा, और पानी भरते ही ये उसको ऑफ कर देगा। इस कंट्रोलर में एक इंस्टेंट मोटर स्विच ऑन ऑप्शन है। अगर पानी वाटर टैंक में 50% या उससे कम है और ये सेंसर स्विच ऑन लेवल तक नहीं पहुंचा है, तो उस सिलसिले में आप इसको तुरंत चला सकते हैं इस बटन को दबाते हैं, और ये ऑटोमेटिकली उसको ऑन कर देगा। परंतु बंद ये मोटर भरने के बाद ही होगी, जब टैंक में पूरा पानी भर जाएगा। अब ये तो था कंप्लीट ऑटोमेटिक फंक्शन। अब मेन बात जो इस कंट्रोलर की ये है कि इसके जितने भी फीचर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप मान लीजिए अभी हमने मोटर नहीं लगाई, तो इस सिलसिले में अगर ये कंट्रोलर इसको ऑन करता है और ड्राई रन हो रहा है, तो ये कंट्रोलर इसको जबरदस्ती नहीं चला के रखेगा। 3 सेकंड के बाद ये जो स्टार्टर है वो अपने आप अपने सारे फीचर्स के साथ काम करेगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, क्योंकि अभी ड्राई रन का तकरीबन कुछ टाइम ऐसा है, उसके बाद इसको ऑफ हो जाना चाहिए। तो अब ये मान लीजिए स्टार्टर को ऑन किया हमने, कंट्रोलर ने ऑन कर दिया, इस दौरान में अगर नीचे पानी खत्म है या ड्राई रन हो रहा है, तो ये स्टार्टर अपना इंडिपेंडेंटली उसको स्विच ऑफ कर देगा। ये स्विच ऑफ हो गया, इसके बावजूद कि हमारा कंट्रोलर अभी ऑन है और स्विच ऑन पे पड़ा हुआ है, परंतु पानी खत्म है टैंक में या सब बोरवेल में, तो वो मोटर को ऑफ करता है और उसमें कंट्रोलर बाधा नहीं डालता। ये इस तरह से कंट्रोल किया गया है। कोई भी फंक्शन इसके ऑन करने के बाद इसका इंडिपेंडेंट ही काम करेगा, तब तक जब तक पानी पूरा भर नहीं जाएगा। जब पानी भरता है तो ये जो है NO बटन है, स्टॉप बटन, उसके लिए 2 सेकंड का ये उसको ट्रिगर करता है। इसको ऑन करने के बाद और ऑफ करने से पहले कोई भी फंक्शन कंट्रोलर का इसमें इंटरवीन या दखल अंदाजी नहीं करता, तो ये स्टार्टर जो है इंडिपेंडेंटली सारे प्रोटेक्शंस के साथ जो इसके फीचर्स हैं वो काम करता है। दूसरा, इस कंट्रोलर का ये डिज़ाइन है कि आप अगर इसको ऑटोमेटिक चला रहे हैं और इसको मैनुअल कर चलाना चाहते हैं, तो इसको स्टार्टर के साथ सेपरेट करने के लिए इसको स्विच ऑफ कर दीजिए और सीधा ही इसको यहाँ से डायरेक्टली चला सकते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है चेंज करने के लिए, सेम वायरिंग है और कोई स्विचिंग नहीं है, चेंज ओवर स्विच नहीं है। ऑटोमेटिक चलाना है तो इसको सीधा ऑन कर दीजिए और ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ये ऑफ। अब मैं चाहता हूँ इसको मैनुअली चलाना, ऑफ करता हूँ तो सीधा ये मैनुअली भी चलता है, कोई चेंज ओवर स्विच नहीं है। इस तरह से डिजाइन किया गया है, क्योंकि मेन चीज एक तो 3 सेकंड का स्टार्टिंग टाइमर है, उसके बाद ये कंट्रोलर स्टार्टर से हट जाता है, और 3 सेकंड का ही टाइमर इसको स्विच ऑफ बटन के लिए होता है जब पानी पूरा भर जाता है। मैं आपको इसका स्विच ऑफ टाइमर भी दिखा देता हूँ एक कॉन्टिन्यूटी टेस्ट के जरिए। ये है, अब
इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये 3 सेकंड के लिए इसको ऑन करता है, और जब मैं इसको ऑफ करता हूँ तो सिर्फ 3 सेकंड के लिए ही इसको ऑफ करता है। उसके दौरान ऑन करने के बाद और ऑफ करने के बीच में इसका कोई इंटरफेरेंस कंट्रोलर के साथ नहीं रहता, तो स्टार्टर उस केस में बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करता है। ये इसका ऑपरेटर्स मैनुअल है और इसमें किस तरह से ये काम करता है पूरा बताया गया है। ये कनेक्शन डायग्राम है स्टार्ट एंड स्टॉप बटन के डिजिटल के लिए, और ये एक्चुअल कनेक्शंस दिखाए गए हैं और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं और कुछ प्रिकॉशंस हैं जो इसको लगाते समय ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये तो था डिजिटल स्टार्टर का फंक्शन वाटर लेवल कंट्रोलर के साथ। अब मैं आपको इस कंट्रोलर के नॉर्मल स्टार्टर के साथ कनेक्शंस बताऊंगा। ये है नॉर्मल स्टार्टर, और अब मैं इस वाटर लेवल कंट्रोलर के कनेक्शंस इस नॉर्मल स्टार्टर के साथ करके दिखाऊंगा। पहले तो मैं इस स्टार्टर के फंक्शंस के बारे में बता दूं। इस स्टार्टर में ये हरा बटन है, पुश टू ऑन बटन है, जो वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड है, दबाते ही हमें वोल्टेज का पता लगता है। एक एम्पेयर मीटर है जो चलती हुई मोटर की करंट की खपत बताता है, और हरा बटन स्टार्ट बटन है और लाल बटन स्टॉप बटन, और एक एमसीबी स्विच इसकी सप्लाई में दिया है। अब इस कंट्रोलर के कनेक्शंस कंटैक्टर के साथ बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे मैंने ये डिजिटल स्टार्टर के कनेक्शंस के टाइम पे दिखाया है। सेंसर के कनेक्शन भी वैसे ही रहेंगे, और इसमें सिर्फ फर्क ये है कि हमने डिजिटल स्टार्टर के लिए स्विच ऑफ बटन के कनेक्शंस इस कनेक्टर से लिए थे, और ये नॉर्मल स्टार्टर के कनेक्शन स्टॉप बटन के हम इस कनेक्टर से लेंगे। इस स्टिकर के ऊपर दोनों ऑप्शंस दी गई हैं जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। अब इस स्टार्टर के स्टार्ट बटन के कनेक्शंस और कंटैक्टर के कनेक्शन बिल्कुल वैसे ही हैं जो डिजिटल स्टार्टर के टाइम पे मैंने आपको दिखाए थे, यानी कि इसमें भी दो एनो स्विचेस हैं। एक स्विच जो है वो स्टार्ट कैपेसिटर को मोटर के साथ जोड़ता है जब तक हम इसको दबा के रखते हैं, और दूसरा जो एनो स्विच है वो दबाने के बाद इसके कंटैक्टर को कॉइल को सप्लाई देता है। और दूसरा ये जो बटन है ये एनसी स्विच है, एक एनसी स्विच है, और ये जो दो लाल तारे हैं ये इसके सीरीज में लगाई जाएंगे। ये जो कंटैक्टर है स्टॉप स्टार्ट बटन के लिए दो पेयर तार के हैं, एक हरा और एक काला, और दोनों इसके लगी हुई तारों के साथ लग जाएंगे और ये सीरीज में। अब मैं अंदर से भी आपको इसके कनेक्शंस दिखा देता हूं। अब ये है दो पेयर जो वायर्स के आते हैं स्टार्ट बटन के लिए, ये दोनों लगी हुई तारों के साथ, ये एक स्विच है एनओ और ये दूसरा स्विच है, इनके साथ हम लोग इनको लगा देते हैं। और दूसरे ये जो स्टॉप बटन है ये एनसी स्विच है, हम इसके एक साइड से हम लोग एक वायर को निकालेंगे। कोई भी दोनों में से एक वायर जो आपको आसानी से निकल सकती है तो उसको निकाल लीजिए, और इसको यहां से निकालने के बाद आप इस जगह पे ये दो तार जो कंट्रोलर से आते हैं वो हम एक तार तो इसके साथ हम लगा देते हैं यहां पे, और दूसरी तार जो है जो यहां से निकली है तार उसको हम इसके साथ कंट्रोलर से जो दूसरी तार आती है वो इसके साथ जोड़ देते हैं। और ये जो जॉइंट कैप्स हैं ये अवेलेबल होते हैं पैकिंग बॉक्स में, और इसके ऊपर आप लगा करके इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। बस इतना सा है, दोनों तारों में से एक तार को निकाल करके आपने कंट्रोलर से लगा देनी है, और जो निकली हुई वायर है वो कंट्रोलर से दूसरी भी कोई भी एक तार के साथ इसको जोड़ देते हैं।
ये हैं इसके स्टॉप बटन के कनेक्शंस। मैं आपको कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद इसको चला के दिखाता हूँ। मैं कंट्रोलर को ऑन करता हूँ, एक हरी लाइट आ जाती है स्टैंड बाई, जो ये बताती है कि अब कंट्रोलर जो है वो ऑटोमेटिक मोड में है। जैसे ही पानी वाटर टैंक में नीचे जाएगा और एक लेवल पे पहुंचेगा जहां पे हमने एक सेंसर स्विच को सेट कर रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्टर को ऑन कर देगा, परंतु करेगा वैसे ही 3 सेकंड के लिए जो इस स्टार्टर की रिक्वायरमेंट है। और जब पानी भर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्टर को ऑफ कर देता है। बाकी इसके इंस्टेंट स्विच ऑन बटन का फंक्शन बिल्कुल सेम रहेगा जैसे मैंने डिजिटल स्टार्टर के टाइम पे आपको दिखाया। ये तो थे इसके फुली ऑटोमेटिक फंक्शंस। इसमें एक हैंगिंग स्विच भी दिया हुआ है जिसको हम मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि ऑटोमेटिक फंक्शंस है, तो हम इस हैंगिंग स्विच को ऑटो मोड में रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टर को सीधा इस्तेमाल करना, तो उस केस में आप इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं और यहां से मैनुअल ऑप्शन कर करके स्टार्टर को सीधा भी चला सकते हैं जैसे आप नॉर्मली चलाते हैं। तो आपको इसलिए कोई भी वायरिंग को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही ऑप्शंस आप एक स्विच के जरिए आप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक यहां से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और जब भी पानी ऊपर जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ये जो कंट्रोलर है इसके, जैसे पहले मैंने आपको डिजिटल स्टार्टर के कनेक्शन दिखाए थे, इस डिजिटल स्टार्टर के कनेक्शंस की बुकलेट के बीच में एक लीफ आपको मिलेगा पैकिंग बॉक्स में, जिसमें एनसी स्विच यानी नॉर्मल स्विच स्टार्टर के कनेक्शन भी दिखाए गए हैं, जो इसमें ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, और एक्चुअल कनेक्शन का डायग्राम भी इसमें दे रखा है। और कुछ कंडीशंस हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी दे रखी हैं और प्रिकॉशंस जो आपने रखने हैं, क्योंकि 220 वोल्ट का ये सिस्टम है और ये लाजमी है कि आप एक इलेक्ट्रिशियन के दोबारा ही इसको इंस्टॉल करें। तो ये जो है बुकलेट आपको पैकिंग बॉक्स में मिलेगी अगर आप दोनों ऑप्शंस लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आपका स्टार्टर नॉर्मल स्टार्टर है तो आप इस लीफ को डायग्राम यूज कर सकते हैं किस तरह से कनेक्शन करने हैं। अगर आप किसी भी स्टेज पे बाद में आप नॉर्मल स्टार्टर को उतार करके डिजिटल स्टार्टर लगाना चाहते हैं, तो उसके जो कनेक्शन डायग्राम है वो भी इस बुकलेट में दे दिए गए हैं। तो ये तो एक टैंक के लिए मैंने दिखाया है, और इसके बाद यही कंट्रोलर दो टैंक सेंसर के साथ सेंसर में भी एक एक्टिवेशन दे देते हैं और ओवरहेड टैंक सेंसर जैसे मैंने दिखाया है वैसे ही काम करेगा। उसके लिए वो सेट अलग से अवेलेबल है, उसका ये ऑपरेटर्स मैनुअल अलग से दिया। ये दो टैंक हैं, ये इनके कनेक्शंस हैं, बाकी ऑन एंड ऑफ स्विच के कनेक्शन बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे मैंने दिखाए हैं। और ये इसका एक्चुअल डायग्राम है किस तरह से कनेक्शन करने हैं, और ये सेंसर के कनेक्शंस हैं, ये नीचे वाले टैंक का, ये ऊपर वाले टैंक का। और ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसके मॉडल के हिसाब से, दो टैंक के हिसाब से हैं, और प्रिकॉशंस वैसे हैं। अब इसके बाद इसी कंट्रोलर को आप बोरवेल सबमर्सिबल मोटर के साथ एक से ज़्यादा छत पे रखे हुए टैंक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमारा अलग से सेट आता है जो बोरवेल मोटर के साथ दो टैंक को साथ में ही कंट्रोल करता है। उसके लिए ये सेट का ब्रोशर जो है या ऑपरेटर्स मैनुअल इस तरह से है, और ऑन एंड ऑफ स्विच के कनेक्शन बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, सिर्फ सेंसर के दो सेंसर ओवरहेड टैंक में लगेंगे पैरेलल पोजीशन में। और इसमें सिर्फ एक कंडीशन ये है कि जो पानी वाली पाइप पानी लेके ऊपर जाती है उसके आखिर में हमें बॉल फ्लोट वेल्व लगाने पड़ेंगे। बाकी सेंसर की एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है इसमें बता रखा है, और ये सेंसर के पैरेलल पोजीशन में दो कनेक्शन हैं, बहुत आसानी से हो सकते हैं। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन
टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसके हिसाब से दे रखी हैं और वो प्रिकॉशंस जो हैं वो भी इसके साथ दे रखे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा डेमोन्स्ट्रेशन फुली ऑटोमेटिक मल्टीपर्पज़ वाटर लेवल कंट्रोलर जो डिजिटल और एनालॉग स्टार्टर के साथ काम करने के लिए सक्षम है। अगर आपको ये कंट्रोलर पसंद आया हो और आप इन तीनों सेट्स में से कोई भी खरीदना चाहते हैं, तीनों के परचेज ऑनलाइन लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अगर आप टैंक सेंसर स्विच अलग से खरीदना चाहते हैं उसका लिंक भी हमने नीचे बॉक्स में दे दिया है। कोई क्वेरी हो तो हमारा ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर भी दे दिया है, और अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा वेबसाइट लिंक भी लॉग इन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहें हमारे अगले वीडियो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।